हेलो फ्रेंड्स, मु गौतम। आपण देखुंत ऑल इन एजुकेशन चैनल टी सब्सक्राइब करूँ और पाखे बेल आइकन को निश्चित प्रेस करूँ लेटेस्ट वीडियोस अपडेट पाइबा। हेलो टीचर फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू अवर फेवरेट चैनल ऑल इन एजुकेशन बॉर्न टू एजुकेट। को फ्रेंड्स आपण मई मो क्विज प्रैक्टिस नहीं कि करिकुलम एंड इनक्लूसिव क्लासरूम एवं समस्त मॉड्यूल मुझको जहाँ भी क्विज प्रैक्टिस देवी जहाँकि आपंपाई जो जनवरी मस रे मेरिट टेस्ट होबार अछि से मेरिट टेस्ट आपको बहुत बहुत उपयोगी हो पार। चलो फ्रेंड्स आरंभ करने पूर्व आपको गोटे छोटे रिक्वेस्ट करी जदि चैनल को तो आप सब्सक्राइब करना निश्चित भाव चैनल को सब्सक्राइब कर निंतु कहीं आपको चैनल आपको बहुत गुड़ी हेल्प कर क्विज प्रैक्टिस करने आप टीचरशिप लाइफ को आगे को नहीं जावाई। चलो फ्रेंड्स आरंभ करवा देखो आज फास्ट क्वेश्चन ये मुझे क्विज करी फ्रेंड्स आप गए मैंने टेस्ट करवा जे आप बर्तमान मुझे क्वेश्चन गुड़िक देखेबी जो 10 क्वेश्चन रही आपको भिडियो पज मारे पज मारिकी आप देखने सब क्वेश्चन गुड़ा देखिए और तार एनसर देखें चेस्टा करेंगे आप खातार जो एनसर गुड़ लिखिदेवे बर्तमान मुझे एनसर गुड़ आपको डिस्कसन करी एनसर देवी ता सहित आप मैच करेंगे देखिए आपंकर कतोटी ठीक होगा ठीक होपण मत कमेंट करके जनइबे आप 10 मार्क केत मार्क रखिले नो माइनस मार्किंग आपति एक्जाम रोचे आपंकर क्विज टेस्ट रोच दीक्षा आप्लिकेसन में निष्ठा ट्रेनिंग में आपंकर से ही एक टेस्ट रोक। चलो आरंभ करवा प्रथम आपको क्वेश्चन गुड़िक देखिए क्वेश्चन भिडियो पज मारी दिंतु यहाँ रहा फास्ट क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन सिक्स सेवेन्थ एट नाइन टेन एति रही है आपंकर क्वेश्चन गुड़िक। चलो आम मूल आरंभ करवा आप गोटे छोटे रिक्वेस्ट करी जदि आप जो मॉडल गुड़िक मुझे पीडीएफ नोट करते जदि से भिडियो गुड़िक पाई से पीडीएफ गुड़िक पाइबा चाहते निश्चित भाव डिस्क्रिप्शन आप फॉलो करें और आपको गोटे कही रखे जो पीडीएफ गुड़िक ऑल इन एजुकेशन चैनल कौन से प्रकार राइट्स ना पीडीएफ रे केवल कोऑर्डिनेशन जे परिश्रम करती कोऑर्डिनेशन मोर चैनल आपको पीडीएफ टी जोगे दि जाए। चलो आरंभ करवा आज प्रथम क्वेश्चन आप फ्रेंड देखिपे जे कि प्रथम प्रश्न अच्छी पिलाई प्रस्तुत पाठ्यघोषणा क्यों जातीय शिक्षा नीति द्वारा प्रस्तुत जो पिलाई जो जातीय पाठ्यघोषणा पिलाई जो पिलाने वर्तमान पढ़ुंट वर्तमान जोड़ा पढ़ुंट क्यों जातीय शिक्षा नीति अच्छी आम जब ऑप्शन गुड़िक देखा प्रथम अच्छी आप 1968 तापटी अच्छे आप 1986 तापटी अच्छे आप 2020 और तापटी अच्छे आप कोईटी नुहे जदि आम कह पाठ्यघोषणा आम जानते हैं 1968 आप फास्ट जातीय शिक्षा नीति होता 1986 सेकेंड होता है और 2020 जहाँकि रिसेंटली कितु आम जब देखा जा 2020 बर्तमान सुधा लागू होना तेणु आम ये ऑप्शन को भूल मारिनेबा तापर आप देखा जाप 1986 में से कंटिन्यू रही 1968 जेहतु पुराणा होगा तेणु एटा काम करी नुहे तार आम तार एनसर आम जापर नंबर 2 रे एनसर हो नंबर 2 आप मैच करनी आप क्वेश्चन एनसर सहित जावा नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन आप पाठ्यक्रम बदल कारण कौन हो पाए अर्थात पाठ्यक्रम कहीं चेंज हुए कहीं आप जानते फास्ट जब एनसीएफ तैयार है आप 1975 रे ओके बर्तमान जब लाटेस्ट कहकर 2005 रे जो 1975 और 2005 पाठ्यक्रम कहीं चेंज होदी आम कह ऑप्शन गुड़ आम देखा जो बहुत दिन पुराणा होगले पाठ्यक्रम चेंज हो सरकार और शिक्षक परिवर्तन हेले सरकार परिवर्तन हेले शिक्षक जब चेंज होता पाठ्यक्रम परिवर्तन होउछि समाज रे परिवर्तन हेले पाठ्यक्रम परिवर्तन होउछि एवं जदि आम 4 नंबर ऑप्शन को जीवा 4 नंबर ऑप्शन आपको कहूँ जे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ठीक बोली तेलु आम ये डिडक्ट कर लगेगा कौटा एटी भूल रही है देखो सरकार और शिक्षक परिवर्तन हेले एटा केबे भी हेबो नाही अर्थात आप ऑप्शन नंबर 2 सहित जापर ना देखिए बहुत दिन पुराणा होगा आम टाइम होगा यार बहुत दिन पुराणा होगा आम चेंज कर देवा एटा भी नुहे जेहतु प्रथम 1 नंबर 2 नंबर भूल हो गला गला आम 4 नंबर सहित जापर अर्थात आपंकर 3 नंबर क्वेश्चन एनसर ठीक हो कि जो रही समाज परिवर्तन हेले समाज आर्थिक नैतिक परिणति हेले मनस्तात्विक परिवर्तन हेले एवं आपंकर अर्थनैतिक सामाजिक क्षेत्र में परिवर्तन जदि होती पाठ्यक्रम बदलार आवश्यकता रही तेणु आपड़ से पीडीएफ टी दिंतु आपड़ भिडियो गुड़ देखी नि प्रपर जहाँकि आप प्रपर बुझीपारे नेक्स्ट क्वेश्चन जावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपंकर अच्छी कि बर्तमान शिक्षार्थी पढ़ुवा पाठ्यपुस्तक क्यों पाठ्यक्रम आधार में प्रस्तुत हो जो पिला वर्तमान जो पाठ्यपुस्तक पढ़ुंट बर्तमान आम जब कह 2019-20 आम कहपर 2020 आपंकर 21 यो पाठ्यपुस्तक पढ़ुंट से पाठ्यपुस्तक क्यों पाठ्यक्रम आधार प्रस्तुत जेहतु 1975 फास्ट होता है यह सहित आम जापर 1988 जापर 2000 जापर जोटा आम लाटेस्ट देखा से 2005 अनुजाई ओके 2005 जो एनसीएफ तैयारी कर एनसीएफ 2005 2005 अनुजाई आपंकर पाठ्यक्रम प्रस्तुत हो जाए आपको यह विषय कहार रखुच्छे जो एनसीएफ तैयारी करते आपंकर यशराज कमिटी
कमिटी यहाँ प्रस्तुत करता है जो जो एनसीएफ 2005 तैयारी करते आप मुख्य दुईट पॉइंट जो मैंने कंपिटेट प्रिपेयर होता भी उपयोगी रोक मुख्य दुईट पॉइंट हूँ आप बही बस्तानी बोझ गोटे टर्म रोचे और आपंकर आउ गोटे टर्म रोचे आप जेकि जो घोषा पद्धति जो रड लणी आप रही से रड लणी को यह निरुसाहित करता है युईट पॉइंट हूँ आपंकर यहाँ आप ऑप्शन नंबर 4 और 4 तापर जी नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ निम्नोक्त केउटी शिक्षण फलाफल सठिक हम शिक्षण फलाफल तेल आम कहे कौन बुझे शिक्षण फलाफल आम कहीपर यह एक प्रक्रिया तापर जा शिक्षार्थी व्यवहार में परिवर्तन तापर जा शिक्षार्थी सामर्थ्य दक्षता और कौशल समाहार ताल उपरोक्त समस्त आम देखा शिक्षण फलाफल कौन आम जानते शिक्षण फलाफल एक उत्पादन यह हूँ प्रक्रिया ये इज ए प्रोसेस शिक्षार्थी व्यवहार परिवर्तन जेहेतु शिक्षण शिक्षण प्रक्रिया शिक्षार्थी व्यवहार परिवर्तन करता है ये ऑप्शन सहित आम भी जापर जेहेतु ये दुईट क्वेश्चन आंसर मत दुईट एक नंबर दुई नंबर मत ठीक लगे निश्चित भाव मुझ चार नंबर ऑप्शन सहित जी और तीन नंबर ऑप्शन सहित जब मुझी वर्तमान से लिखा जाए कि पिलार सामर्थ्य दक्षता देता शिक्षण दक्षता उपर भी शिक्षण गुरुत्व दिए और कौशल भी शिक्षण गुरुत्व दिए अर्थात तीनो जाक ऑप्शन आपंकर राइट रोर एटी मुझे कह चार नंबर ऑप्शन हिं ठीक रर्थात आपंकर उपरोक्त समस्त आपत उत्तर गुटे मैच कर नि लास्ट में मतलब कमेंट निश्चित भाव में करके जनवे और भिडियो को बहुमत सेयर करेंगे जब पीडीएफ पाई ना कि आप भिडियो गुट देखना मुझे डिस्क्रिप्शन लिंक देदेवी से भिडियो गुट देखी दिखाँ जहाँकि आप फंडा क्लीयर होते हैं शिक्षण फलाफल कौन पाठ्यक्रम कौन अंतनिवेश श्रेणी शिक्षण कौन आप प्रॉपर्ली बुझीपारे जा नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहूँ कि 1975 मसीह होता जातीय पाठ्यक्रम आधार क्यों संस्था प्रस्तुत करता अर्थात आम जब कह 1975 मसीह कथ 1975 आप 1975 आप जो प्रथम एनसीएफ आम जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क या जातीय पाठ्यक्रम आधार जो ताइला क्यों संस्था प्रस्तुत करता एसीआईटी जेहतु एट राज्य स्तरीय आम ये ऑप्शन सहित जापरिया ना सीबीएसई एटा गोटे बोर्ड पाठ्यक्रम मानने जो आपंकर काउनसिल अफ आम जो बोर्ड कह गल एटा भी जापर दीक्षा हो गए आप्लिकेसन तेल आम एनसीआईटी ही जापरिया एनसीआईटी यार रईट एनसर तापर जा नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहूँ जो निम्नोक्त केउटी एक अंतनिवेश श्रेणीकक्ष अंतनिवेश श्रेणीकक्ष इनक्लूसीव क्लासरूम आम क्या कह अर्थात अंतनिवेश श्रेणीकक्ष इनक्लूसीव क्लासरूम फीचर बा सिम्पटम क्या पाखे रही है देखो अंतनिवेश मीन सब मिसिक रही अंतनिवेश ओके सब मिसिक रही है से अंतनिवेश असामर्थ्य पिला भी रही है सामाजिक और अर्थनीति परेश पिला भी रही है विभिन्न संस्कृति बयस लिंगभेद पिला भी रही है कि जो लास्ट पॉइंट आपको देखे सामान सहायक सामग्री व्यवहार करा जीवो एठी ए श्रेणी कक्ष रे देखा जीवो नाही काहेकि फ्रेंड्स ना देखंतु जेहेतु असमर्थ पिला रहउचंती विभिन्न सामाजिक क्षेत्र रे रहउचंती संस्कृति अलग बयस अलग लिंगभेद अलग ताले निश्चित भाव में सामग्री रो किछि चेंजेस करिबा विशेष करि हम जदि कहि परिबा ए जो असमर्थ पिला बा बाधित पिला अछंती बा तांको पय हम किछि माइंड चेंज गेम करि परिबा किबा हम गप कहि परिबा तेनु हम समस्त समस्त सहायक सामग्री समान भाबे यूज करि परिबा नै सबु शिक्षार्थी मानक पय ताले हम जदि कहिबा यार आंसर हे जीव आपनकर नंबर 4 निश्चित भाव भिडियो को सेयार करेंगे फ्रेंड्स कहीं कष्ट भिडियो को तैयारी करी आपंपाई जब आप प्रशंसा नदे भलपाइवा नदे तो मो भिड कर कौन प्रकार मूल्य रही है निश्चित भाव फ्रेंड्स सेयार करूँ बहुमत सेयार करूँ सब्सक्राइब करूँ कि न करूँ चलते फ्रेंड देखा तापर अच्छे आप जे शिक्षार्थी निम्नोक्त केउटी द्वारा शिखिपे ना अर्थात ये जो अप्सन गुड़ी चारोट अप्सन आप आगे अच्छी से अप्सन भितर केउटी द्वारा से शिखिपे ना ना ये आप वार्ड को गुरुत्व दूसरे से अप्सन वन अच्छी आपंकर शिक्षादान पसंद आसे देखो पसंद आसे से निश्चित भाव शिखि है एक नंबर आम ठीक हो शिक्षण विषय को पसंद आसे शिक्षण विषय जब पसंद आसी करपर कि आप निश्चित भाव में एनसर देते हैं मैच कराइए दलगत कार्यर आपटे भी शिखिता है पीला तुलना कर पढ़े देखो शिक्षण विषय जब पसंद आस निश्चित भाव से पढ़ी पार निश्चित भाव से शिखापी चेस्टा कर जानापी चेस्टा कर कि पिलाटी को तुलना करुँच शिक्षक जब कंपेरिजन कर दूसरे पिलार गोटे मनोभाव पलिस मुझा करें तो सी तो करदे सी भल पिला अच्छे मुझे करें तो यहाँ निश्चित भाव में नेगेट पॉइंट हो आम चार नंबर अप्सन को रंग बोली कहता है यहाँ अप्सन नंबर भूल हो चार नंबर अर्थात आपंकर उत्तर पर प्रश्नर उत्तर हो चार नंबर तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन आपंकर अच्छी केउटी जड़े बाधित पिलाई उपयोगी नुहे केउटी जड़े बाधित पिलाई उपयोगी नुहे आपंकर नंबर वन अच्छी वृत्ताकार श्रेणी व्यवस्था नाम धरी संबोधन करवा बाधित पिला सर्वदा ध्यान रखा और उपरोक्त केउटी नुहे देखते फ्रेंड्स ये जो अच्छी बाधित पिला कथ बाधित पिला नाम जो डाकुं ताहले ठीक अच्छे पिलाटी खुशी हम जो सार मत इंपोर्टेंस दौरान गुरुत्व दौरान अच्छे जितने आप वृत्ताकार श्रेणी व्यवस्था करुँच निश्चित भाव में पिलाटी उपयोगी हो पार और जेहतु ये ठीक हो गला दुईट ताल आम उपरोक्त केउटी जापरिया नहीं ऑप्शन नंबर 3 हो आपंकर ठीक उत्तर अर्थात बाध्य पिला सर्वदा ध्यान रखे ना अर्थात सी भाव जो मत कहीं सारे एम सब पचारूँच कलुना करूनी ता मन गोटे कन्फ्यूजन क्रिएट होता मन गोटे क्वेश्चन तैयारी हो किसी असमर्थ कि मत सारे एमती अच्छे मत एम क्वेश्चन करुँच कि मानसिकता या
ହେଇଯିବ ସେଇଟା ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ ପଏଣ୍ଟ କରିବ, ନେଗେଟିଭ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ତିଆରି କରିବ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର, ଯାହାଫଳରେ କି ପିଲାଟି ଶିଖିବା ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର 300 ଉତ୍ତରରେ ଯାଇପାରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର 3 ଗୋଟେ ବାଧ୍ୟ ପିଲା ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ମାଗଣା ଓ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା କେଉଁ ବର୍ଷର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମୌଳିକ ଅଧିକାର। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ମୌଳିକ ଅଧିକାର। ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଆପଣ କେବେ ଆଡ୍ କରାଗଲା ନା 2002 ଆଡ୍ କରାଗଲା, ଓକେ 21 ଏରେ ଆଡ୍ କରାଗଲା। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ଯେ 2002 ମସିହାରେ ଆଡ୍ କରାଗଲା ଏବଂ 21 ଏ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ସମ୍ବିଧାନ ଧାରା ସେଥିରେ ଆଡ୍ କରାଗଲା ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ରହିଛି ମାଗଣା ଏବଂ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, ଯାହାକି କେଉଁଠୁ କେଉଁ ବର୍ଷ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଏଠି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯେଉଁ ଅପ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି ସେଠି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଅପ୍ସନ୍, ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ବି ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଯିବ, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଏଠି 3 ଏଠି ଭାବୁଥିବେ ଆପଣ 3 ବର୍ଷରୁ ପିଲାଟି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ସେଟା ବି ଗୋଟେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ମାଗଣା, କିନ୍ତୁ ତାହା ନୁହେଁ। ଆମେ ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର 300 ଯିବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ 6-14 ବର୍ଷ। ଆପଣ ଆଉ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଅପ୍ସନ୍ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେ କି ଏ ଯେଉଁ ଅପ୍ସନ୍ଟି ରହିଛି 6-18 ବର୍ଷ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ବାଧ୍ୟତା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି RPW ଆକ୍ଟ କହୁଛି, RPW Act 2012 ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ କି ଆପଣ 6-18 ବର୍ଷ ପିଲାଟି ମାଗଣା ଏବଂ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିବ ଅନୁଯାୟୀ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। ଏଇଟା 2012-2016 ଆପଣ ଟିକେ ପ୍ଲିଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ କରେଇ ନେବେ ଏବଂ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷଣ ବୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ସବୁଠୁ ଭଲ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଟର୍ମ ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ, ୱାର୍ଡ଼କୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ୱାର୍ଡ଼ ବୁଝିଲେ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ କରିପାରିବେ। ଏଠି ଯେଉଁ ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷଣ ବୋଧ, ଶିକ୍ଷଣକୁ ବୁଝିବା, ଶିକ୍ଷଣକୁ ଜାଣିବା, ଶିକ୍ଷଣକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା, ତାହେଲେ କେଉଁ ଟର୍ମଟା ଶିକ୍ଷଣକୁ ବୁଝିବାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଯଦି କଥା ଖାଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାମ କରିବ ନାହିଁ। ପିଲାଙ୍କୁ ସାମଗ୍ରୀ ଯୁଗରେ କିଛି ମାତ୍ରା କାମ କରିବ, ଭଲ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଆପଣ ଶିକ୍ଷଣ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ରହିଲାନି, ଆପଣ ମାନସିକତା ତିଆରି କରିପାରିବେ। ପିଲାଙ୍କୁ ଯଦି ଗପ କହୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ମାନସିକତା ତିଆରି କରିପାରିବେ, ଆପଣ ସହିତ କୋଅର୍ଡିନେସନ୍ଟା ଭଲ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାମଗ୍ରୀଟି ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯାଇପାରିବା ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର 2 ସହିତ, ଏହାର ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏତିକି ରହିଥିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଆଶା କରି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଥିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେୟାର କରିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ ସେୟାର, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ସେୟାର କଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥାଏ। ଓକେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସେୟାର କରିବେ। ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖାହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ନେକ୍ସଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ସହିତ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।